तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। एक और बार आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको इस एम्पलीफायर की रिव्यू देने वाला हूँ और साउंड टेस्ट देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी जो इससे पहले मैंने डाली थी, मुझे कॉमेंट में बताएं। और फ्रेंड्स, उस वीडियो पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा सा मिला था, तो इसी तरीके से प्यार बना रहे हैं चैनल पर। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड के बारे में मैं बता दूं आपको, ये हमारा 200 वाट के अंदर एक एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि चार ट्रांजिस्टर में आ जाते हैं, जो कि हमारे मॉसफेट कहते हैं हम इन्हें। तो चार मॉसफेट के अंदर आते हैं, जो कि मॉसफेट का नंबर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा। ये देख सकते हैं D718 और B688 मॉसफेट के अंदर हमारा ये एम्पलीफायर आता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या, हमारा सिंपल एम्पलीफायर है, बेस स्टेबल हमें नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बेस स्टेबल आप लगा सकते हैं, कोई सा भी 3 IC वाला बेस स्टेबल ले सकते हैं या कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है वो बेस स्टेबल इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा सा एम्पलीफायर घर पर ही बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसका सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, इसकी सिंपल सी वायरिंग किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सी इसकी जो हमारी वायरिंग होनी है वो किस तरीके से होनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसफार्म की अपनी वायर कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्म की वायर किस तरीके से कनेक्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे पहले बोर्ड को पीछे करके यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। जो हमारी कैपेसिटर की लैग है, देख सकते हैं एक लैग, ये कैपेसिटर है हमारे। तो जो हमारी माइनस वाली लैग है वो इस तरीके से यहाँ पर, दो जो कैपेसिटर वो हमारे डायोड है इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी है, और जो ये हमारी प्लस वाली लैग है वो इस तरीके से जुड़ी है। तो यहाँ पर हमारा डीसी करंट है, जाहिर सी बात है। तो हमारी एसी करंट की जो वायर हमें देनी है, एक यहाँ पर लगानी है, एक यहाँ पर ट्रांसफार्म की। चाहे तो आप 12012 यूज़ कर रहे हैं या 24 5 एम्पीयर तक के ट्रांसफार्म यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन होंगे। तो मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आप दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्म के वायर कनेक्ट हो चुके हैं, जो हमारा 12012 5 एम्पीयर में ट्रांसफार्म है। तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन कर दिया हमने 12012 और 0 हमारे कैपेसिटर की, जहाँ पर हमारी लेग शॉर्ट है दोनों कैपेसिटर की, वहाँ पर 0 का कनेक्शन कर दिया है। अब स्पीकर कनेक्शन करेंगे। स्पीकर कनेक्शन के लिए भी हमारे यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं दिया गया है, तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि यहाँ पर स्पीकर का वायर किस जगह लगेगा। तो फ्रेंड, सिंपल सा है, अगर जैसे हमारा 3075 बोर्ड आपने देखा होगा या उसकी वायरिंग सीखी होगी, तो उसमें भी हमारे जो स्पीकर का कनेक्शन होते हैं, जो कि प्लस होता है स्पीकर का, वो जो हमारे दो रेजिस्टेंस होते थे वहाँ पे ग्रीन वाले, इस तरीके से यहाँ पर वाइट रेजिस्टेंस दिए गए हैं जो कि 5 वाट में है। तो यहाँ पर जो हमारे रेजिस्टेंस की लैग जो होती है वो शॉर्ट होती है, देख सकते हैं आप, दो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर शॉर्ट होगी वहाँ पर एक चैनल का वायर कनेक्ट होगा। जैसे दो चैनल है यहाँ पर, और फर्स्ट चैनल ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट वाले के यहाँ पर होगा और सेकंड वाला का कनेक्शन यहाँ पर होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरीके से स्पीकर के कनेक्शन कर देते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से स्पीकर के कनेक्शन मैंने यहाँ पर करे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने स्पीकर के वायर भी कनेक्ट कर लिए हैं। तो इस तरीके से स्पीकर के वायर कनेक्ट करे हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले चैनल के यहाँ पर ये एक स्पीकर से करे हैं, और सेकंड वाले के दूसरे स्पीकर से करें, और जो कि ग्राउंड है दोनों का वो मैंने ग्राउंड से ही कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से सिंपल से कनेक्शन करने हैं। आप कोई से भी बोर्ड के सिंपल से कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं, देख के स्पीकर के जो भी कनेक्शन होंगे, जो हमारा स्टीरियो बोर्ड होगा
वो रेजिस्टेंस के जहाँ पर जो हमारे दो रेजिस्टेंस शॉर्ट होते हैं, दोनों लेग शॉर्ट होती है, वहीं पर हमारा स्पीकर का कनेक्शन होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर इनपुट का हमें कैसे देखना है, सबसे पहले इसमें हमें लाइन दे देनी है। लाइन देने के बाद यानी कि मेन 220 ट्रांसफार्मर में देनी है, उसके बाद जो हमारे स्पीकर है उसमें थोड़ी बहुत ऑडियो आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें टच करके देख लेना है। टच करके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑडियो दिख जाएगी, यहाँ पर ऑडियो की आवाज़ आएगी, झरझर की आवाज़ आएगी। तो उस तरीके से ऑडियो का भी हमें पता कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑडियो को पता करके अपने ऑडियो कनेक्शन करता हूँ, फिर इस बोर्ड का जो हमारा साउंड टेस्ट है वो आपको देता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर ऑडियो के हम कनेक्शन कर देते हैं, ऑडियो इनके। सो फ्रेंड्स जो हमारी वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनपुट के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं और टोटली सारे कनेक्शन हो चुके हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये कैमरा हटा के दिखा दूँ कि इनपुट के कनेक्शन मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी ऑक्स से करे हैं। ऑक्स से करने के बाद जो हमारा स्पीकर है वो हमारा साइड में रखा हुआ है और सिंपल कनेक्शन करे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अगर मैं इस एम्पलीफायर का यूज़ करता हूँ तो इसके टोटल वायरिंग वॉल्यूम किस तरीके से लगाया है, बेस टेबल किस तरीके से लगाया है, तो वो सारा दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पर साउंड टेस्ट देता हूँ आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं फ्रेंड्स। चलिए साउंड टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सॉन्ग मैंने ऑन कर दिया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स सॉन्ग चल रहा है यहाँ पर और ऑक्स से जो कनेक्शन है यहाँ पर बंद हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारी थी थोड़ी हल्की सी टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।